इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश यह है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। ये सीबीआई यूज कर लें, ईडी यूज कर लें, हर चीज यूज कर लें, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे, ये हमारी गारंटी। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने दिल्ली में बैठक की, जिसमें यूपी से बुलाए गए मदरसों के प्रिंसिपलों के साथ चर्चा की गई। बैठक में जमीयत के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि अगर सर्वे ठीक तरीके से किया जाता है तो विरोध नहीं होगा। जमीयत की बैठक में कहा गया कि मदरसों को शक की नजर से देखा जाता है। उधर यूपी में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश अहमद अंसारी ने कहा कि मदरसों का सर्वे उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने और बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दो आतंकवादी को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकवादियों की पहचान दानिश भट्ट और कोकब दूरी और बशारत नबी के रूप में हुई है। दोनों आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े थे। पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकियों ने मई 2021 में दो नागरिकों की हत्या की थी। बेंगलुरु में भारी बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2-3 दिनों में राहत मिलने की उम्मीद भी कम है। मौसम विभाग ने बेंगलुरु के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश में लोगों की बढ़ती मुश्किलों के बीच सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस ने सूबे की बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। देश को नाक से दी जाने वाली कोरोना की पहली वैक्सीन मिल गई है। इसे हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने बनाया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसे इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी भी दे दी। वैक्सीन की खुराक 18 साल से ज्यादा के लोगों को दी जाएगी। इसके आखिरी फेज के ट्रायल पिछले महीने ही पूरे हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर नेजल वैक्सीन को बड़ी उपलब्धि बताया।